मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर। बड़ी अपडेट, रीट पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल से निकलकर जालोर, बाड़मेर, सांचौर और जोधपुर तक पहुंच चुका था। एसओजी ने तीनों ही जिलों में पेपर बेचने और खरीदने वालों की सूची बना ली है। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा रीट पेपर यहीं पर पहुंचा था और इसीलिए जालोर, बाड़मेर और जोधपुर के परीक्षार्थियों पर तलवार लटक सकती है। इन तीनों ही जिलों को पेपर लीक का मुख्य केंद्र मानते हुए पेपर कैंसिल हो सकता है, यहाँ के परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो एसओजी अब जल्द ही रीट पेपर लीक प्रकरण की पूरी रिपोर्ट गहलोत सरकार को सौंपेंगी, जिसमें तीन जिलों में पेपर रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं, यह अभी तय नहीं है कि पूरे जिले में परीक्षा रद्द होगी या कुछ सेंटर्स पर परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि एक विश्वसनीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एसओजी की टीम तीनों ही जिलों में ऐसे परीक्षार्थियों की तलाश में जुट गई है। जैसे ही एसओजी इन तीनों जिलों में एक्टिव हुई तो जालोर और बाड़मेर के आरोपी अब फरार होने लगे हैं। माना जा रहा है आने वाले दिनों में यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले को लेकर आगे जो भी कोई बड़ी अपडेट आती है उसकी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी।